This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So hello guys, welcome to Things Hua. फेक नंबर से कॉल करने वाले का नाम, नंबर और लोकेशन कैसे जानना है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बंदा आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बंदा है, उसका रियल नंबर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, उसने फेक नंबर से कॉल किया है लेकिन उसका रियल नंबर क्या है, नाम और लोकेशन कैसे पता करेंगे, इस वीडियो में लास्ट तक हम जानते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं। यार आप मुझे देखे जा रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार हमारी मेहनत की थोड़ी सी कदर कर लो। नीचे लाइक बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और भाई नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसको भी दबा दीजिए। ऐसे अच्छे वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों दो तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जान सकते हो सामने वाला बंदा कौन है, लोकेशन क्या है, उसका नंबर क्या है, फिर आप दोस्तों उसकी बैंड बजा सकते हो, बहुत उसको मार सकते हो। आपको इतना गुस्सा आ रहा होगा कि वो बंदा अगर मुझे मिल जाए कि ये बंदा कौन है तो उसके वार्ड लगा देंगे हम, भाई बहुत परेशान कर दिया है उसने। तो चलिए भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ट्रिक नंबर वन है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से जो भी कॉल होते हैं उसका जो ऑथोरिटी होता है उसको जानने का, वो गवर्नमेंट एजेंसीज को होता है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को होता है। तो आम आदमी ये नहीं जान सकता है पहली वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके, जबकि दोस्तों दूसरी वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो लेकिन कुछ हद तक। तो पहली वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको दोस्तों क्या करना है, अगर कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, वही नंबर से कॉल आ रहा है या फिर अलग अलग नंबर से कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, साइबर क्राइम में दोस्तों कंप्लेन करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं, आप घर बैठे वेबसाइट पर जाकर साइबर क्राइम में दोस्तों आप कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप उस नंबर की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि ये जो नंबर से बार बार कॉल आ रहा है और परेशान किए जा रहे हैं मुझे। तो अभी वो लोग उसको किस तरह से पकड़ेंगे बंदे को, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और आपको कैसे पता लगेगा वो बंदा कौन है। अभी आप थोड़ा सा समझ तो गए होंगे लेकिन लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए, यूज़फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी का जो बंदा फेक कॉल कर रहा है वो किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आपको कॉल कर रहा हो या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल करके कॉल कर रहा हो, तो वो दोस्तों जिस नंबर से कॉल किया है आप लोग सोच रहे होंगे वो क्या होता है, तो वो दोस्तों एक वर्चुअल नंबर होता है जो कुछ एप्लीकेशंस के द्वारा वो नंबर बाय किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा या फिर कुछ वेबसाइट के द्वारा। कुछ एप्लीकेशन और वेबसाइट ऐसे होते हैं जो वर्चुअल नंबर को सेल करते हैं, तो कुछ लोग कुछ टाइम के लिए उनको खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद इस तरह का कॉल वो लोग लगाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन कुछ हद तक फ्री में भी लगाने देते इस तरह के कॉल दोस्तों। तो इस तरह के नंबर जो भी लोग यूज़ करते हैं उनके पास कोई सिम कार्ड नहीं होता है, ये वर्चुअल नंबर होता है जो बिना सिम कार्ड के इंटरनेट के जरिए काम करता है, इंटरनेट के जरिए कॉल लगता है। तो इतनी बात आप समझ गए। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जितने भी जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, जो इस तरह का सर्विस देते हैं कॉल लगाने का, फेक कॉल लगाने का, तो जो भी बंदा वहाँ से कॉल कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कंपनियाँ होती है, मान लीजिए बंदे ने किसी एप्लीकेशन से कॉल किया, तो मान लीजिए मेरा खुद का एप्लीकेशन है और आप लोग मेरा एप्लीकेशन इस्तेमाल करके किसी को फेक कॉल कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा, आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो मुझे पूरी जानकारी होगी कि आपने कहाँ पर कॉल किया था और क्या आपने बात किया था, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगा। तो जब भी जो भी कंपनियां मार्केट में इस तरह के नंबर प्रोवाइड करते हैं उनके पास पूरा डेटा होता है दोस्तों। और मान लीजिए मेरा खुद का ऐप है तो मेरे पास 50,000 नंबर है, ठीक है, तो मेरे ऐप को डाउनलोड किया 1,000 लोगों ने, 1,000 लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब भी 1,000 लोग मेरे एप्लीकेशन से कॉल करेंगे तो मेरे डेटाबेस में जो 50,000 नंबर मैंने ऐड करके रखे उन्हीं 50,000 नंबर में से किसी भी एक से उधर पे कॉल लगेगा दोस्तों सामने वाले को। तो आप समझ गए, यानी पूरा डेटा मेरे पास होता है, मेरे पास कितने नंबर है। अभी जो पुलिस है या फिर जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं वो कंपनी को पूछेंगे, हर एक कंपनी को जो इस तरह का सर्विस देती है, और उनको पूछेंगे कि ये वाला नंबर आप लोगों के डेटाबेस में है क्या, आपने किसी को दिया था इस्तेमाल करने के लिए, किसी कस्टमर को। तो फिर क्या होगा, जो भी कंपनी है उसको तो देना ही पड़ेगा डेटा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के अंडर रह के धंधा करना पड़ता है सभी कंपनियों को। जो इस तरह की कंपनियां हैं, जो इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं, उसको भी गवर्नमेंट के कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसको डेटा तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज को देना ही पड़ेगा डेटा,
नहीं देना पड़ेगा ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो डेटा दे देगी, हाँ भाई ये वाला नंबर तो हमारे पास है और हमने इस बंदे को नंबर दिया था, किसी कस्टमर को हमने दिया है, उसने पेमेंट किया, हमने उसको दे दिया, खरीदा, सामने वाले ने खरीदा, हमने दे दिया। तो जो भी कंप्लेन करने वाला बंदा होगा, मतलब आप तो आप बताओगे जब भी कंप्लेन करोगे तो कौन से दिन को कौन से टाइम पर कॉल आया था या फिर कितने दिन से परेशान कर रहा है, वो सारा टाइम आप बता सकते हैं। तो फिर वो बंदा जो होगा उसकी लोकेशन भी कंपनियों के पास होती है, जो जहाँ से उसने फेक कॉल किया था उस कंपनी के पास उसका मोबाइल नंबर, डिवाइस की आईडी, डिवाइस का जो मॉडल नंबर है, उसके पास कौन सा फ़ोन है, उसके पास कौन सा ईएमआई नंबर क्या है मोबाइल का, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी होती है। जिस भी गूगल आईडी से लॉगिन किया था उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, या फिर दोस्तों जो सिम कार्ड वो अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे, देखिए उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको कॉल किया तो उसने कोई सिम कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, कुछ भी, तो उन एप्लीकेशन को ये भी पता होता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका रियल टाइम लोकेशन भी उनको पता होता है। तो फिर क्या होगा, सामने वाले बंदे ने जो फेक कॉल किया है आपके नंबर पर, तो उसका लोकेशन भी उस एप्लीकेशन को पता होगा। साइबर क्राइम वाले जो भी पुलिस वाले कॉन्टेक्ट करेंगे कंपनी को, फिर वो जो कंपनी होगी दे देगी डेटा कि इस बंदे ने ख़रीदा था हमारा नंबर, तो फिर वो बंदे के पास चली जाएगी पुलिस, उसके घर पर ही चली जाएगी और फिर उसको पकड़ लिया जाएगा। तो फिर पुलिस आपको बताएगी, साइबर क्राइम वाले, कि आपने जिस नंबर का कंप्लेन किया था वो नंबर जो भी बंदा यूज़ कर रहा था उसको हमने पकड़ लिया है, तो कृपया आप बताइए आगे क्या करना है, आपको क्या करना है। और आपको बताया भी जाएगा, आपको बुलाया भी जाएगा पुलिस स्टेशन में, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो देख पाओगे आप कौन सा बंदा आपको कॉल कर रहा था, उसको आप ही कर सकते हैं भाई, क्या करेंगे। वैसे सजा तो पुलिस दे देगी, तो दोबारा किसी को इस तरह से परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों दूसरी ट्रिक ये होती हैं कि इंटरनेट पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिनको इंस्टॉल करके थोड़ा सा पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला बंदे ने जिसने आपको कॉल किया है उसका नाम पता, लोकेशन क्या है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को वीडियोस देखे थे, वो सिखा रहे अपने वीडियो में कि भाई इस तरह से जानो किसने फेक कॉल किया था, ये किया था, वो किया था। तो भाई सीधी सी जानकारी बता दूँ, भाई आम आदमी को इसकी अथॉरिटी नहीं है जानने की, अथॉरिटी हमारे पास है ही नहीं, हम नहीं जान सकते, पावर नहीं है भाई हमारे पास। जो भी पावर है वो पुलिस के पास है, सीआईडी वाले, साइबर क्राइम वाले, या फिर रो एजेंसी, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनके पास इस तरह का परमिशन होता है जानने का। तो वो दोस्तों कंपनियों के पास जाके डेटा निकलवा सकते हैं और कंपनियों को डेटा देना ही पड़ता है, नहीं देगी तो गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को बैन लगा देगी, बैन कर देगी, धंधा नहीं करने देगी इंडिया में। तो इसलिए गवर्नमेंट के नीचे रूल्स को फॉलो करके काम करना ही पड़ता है इन एप्लीकेशंस को। तो भाई उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्या है वीडियो, भाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन ना जाओ यार, साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दो अगर बंदा ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहा है। और फेक कॉल करने वाले लोग भी अभी समझ चुके होंगे, जो भी लोग कॉल करते हैं, कि वो लोग किस तरह से पकड़े जा सकते हैं, इस तरह से दोस्तों आपकी वाट लग सकती है। तो अगर आप भी किसी को फेक कॉल करते हो तो भाई थोड़ा सा बच के करें, सामने वाले को ज़्यादा परेशान मत करें। अगर ज़्यादा गुस्से में आ गया सामने वाला बंदा तो वो क्या करेगा, आपकी कंप्लेन कर सकता है और आप पकड़े भी जा सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा बच के रहियो, वरना कोई आपको बहुत अच्छी धुलाई करेगा कोई आपकी, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे अच्छे वीडियो दोस्तों इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आते रहिए। चलिए गाइस मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।